नहीं है, किसी काम के नहीं है। बिरगो पंचायत पूरा फंस रहा है, पूरा घर पानी में है। कोई बिरगो पंचायत का मुखिया देखने वाला बिरगो का कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जो है इस वक्त बाढ़ पीड़ित इलाकों में हैं और पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये दरभंगा की तस्वीर है, जहां पर कोसी नदी का तटबंध जो है वो टूटा है। और ये पूरा जो हिस्सा है ग्रामीण इलाकों का, ये जो है वो पानी में है, जलमग्न है। और कोसी की आगोश में आप कहें तो समाती हुई दिख रही है। एक टाने छे मालदान कुछ स्थिति कितना खराब है, बिल्कुल इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ना कोई मुखिया देखने के लिए आ रहा है, ना कोई सरपंच आ रहा है, ना कोई सदस्य आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे जो है तबाह करने के लिए छोड़ दिया गया है। अपने घर पर सब वोटवा सब समुदाय होते समुदाय तो दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो है इस वक्त पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, और जो लोग हैं वो जिनका आसियाना डूब चुका है इस बाढ़ में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और कल ही देर रात यहाँ पर जो है वो एक तटबंध का हिस्सा टूटा, जिसके बाद पूरा इलाका जलमग्न है। और ये तस्वीरें जो है वो दरभंगा की तस्वीर है। दरभंगा के इलाकों में इस वक्त आप देख सकते हैं नंगे पांव पप्पू यादव जो है वो उतर चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ पर पप्पू यादव जो है वो इस वक्त आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरा पर पप्पू यादव हैं। पूरी सब्जी शुरू करे पहले से आप लोगों कोई मदद वदद मिला था, कोई सरकारी मदद मिल रहा है? आप लोगों का खाना पीना कैसे चल रहा है? पूरा घर गिरा हुआ, अभी भी जाके देख रहे हैं पूरा दरबार जाना बार बार आटा गिरा बस सब गिरा बस देख लेंगे हम कल, कल सुबह हम चल लेंगे। ये कौन सा गांव है? बीरगांव। तो पप्पू यादव की ओर से जो है वो आर्थिक मदद की गई है कम्युनिटी किचन चलाने के लिए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ है। ये वो ग्रामीण हैं जिनका आसियाना डूब चुका है। लगातार दरभंगा के बाढ़ग्रस्त इलाकों की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसी काम के नहीं है, बिरगो पंचायत पूरा फंस रहा है, पूरा घर पानी में है। कोई बिरगो पंचायत का मुखिया देखने वाला बिरगो का कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरा हम लोग डूब गए, बिरगो का मुखिया बिल्कुल फुल के आवाज उठाएंगे और मेरे सर पे गोली से मार देगा। बिचारा सर पे पानी है, बिल्कुल पानी है, कोई देखने वाला नहीं है। जब वोट का समय होगा तो आएगा मेरे पास सर, इसका कार्रवाई कुछ होना चाहिए।